हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। तो कल इसके पहले हमने क्या पढ़े थे? पैरेलल लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल। आज के डेट में हम उससे रिलेटेड सम्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड सम यानी जो पैरेलल लाइन होगा, ट्रांसवर्सल होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ वन साइड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सारी सारी प्रॉपर्टी जो हम लोग कल देखे थे वीडियो में, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं, डेट मीन्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गया है कि फिगर हमारे पास है और ए बी और सी डी हमारा पैरेलल लाइन है। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज द पैरेलल टू ईच अदर एंड हियर इट इज 50 एंड एक्स एंड 130 एंड वाई। तो हाउ कैन यू फाइंड देन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फाइंड एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, एक्स और वाई क्या है यहां पर? इक्वल होगा, हो गया आंसर। क्यों? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि एक्स और वाई यहां पे क्या है? करस्पॉन्डिंग है। देखिए एक्स नीचे वाला तो इधर भी नीचे वाला, क्या हमारे करस्पॉन्डिंग है? बराबर है। अब वाई और 30 वो भी इक्वल होगा, वाई बराबर 130 हो जाएगा। क्यों भाई? यहां पर क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हो गया आंसर। आप चाहे तो x को ऐसे पता कर सकते हैं क्या कि x प्लस 50 कितना है? 180 है। क्यों भाई? क्योंकि ये लीनियर पेयर में है और एक लाइन पर दोनों एंगल देखिए आप, बराबर ना। तो 50 को इधर भेज दीजिए आप, कितना होगा? 180 माइनस 50, देन वी गेट 130। ऐसे भी आपका x आ जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक छोटा सा सम था जो कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड था, ये सोल्यूशन इसका हो गया। ओके, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन करते हैं। क्लियर है? सो वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू, अंडरस्टैंड। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द फिगर एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन इज वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू हाउ मच? 3:7। देन फाइंड आउट एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, फिगर को मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ठीक है, एक यहां पर हमारा ये है, ये आपका है एक्स, ये आपका है वाई, और इधर है कितना आपका जेड, बराबर है। तो देखिए ध्यान से कैसे इसका सोल्यूशन होने वाला है। हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें एक्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा? अपना छोटा सा वाई ही होगा ना। क्यों भाई? क्योंकि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बना रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ओके, ना वाई को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3k, और जेड को भी क्या लिख सकते हैं? 7k। अब वाई और जेड मिलाकर कितना होगा? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, बिकॉज सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर ऑफ द सेम साइड, y की वैल्यू 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180, 10k इज इक्वल टू 180, 0 0 कैंसिल आउट, देन वी गेट k इज इक्वल टू हाउ मच? 18, बराबर है। तो z कितना आ जाएगा हमारा? z आ जाएगा 7 × 18, यानी कितना आ जाएगा? 126। अब x और z आपस में क्या है? अल्टरनेट है। तो x हमारा क्या होगा? z के बराबर होगा। y बिकॉज अल्टरनेट है तो x की वैल्यू z के बराबर हो जाएगी, 126। यहां पर हमने x की वैल्यू 126 ला दी, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इसका सोल्यूशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई y को निकाल दीजिए अब, तो y बराबर है 3k, तो y इज 3 × k 18, तो 18 3 = 54 हो गया। अब x प्लस वाई भी तो 180 होगा, ठीक है, और y की वैल्यू है 54 है, ये इधर आएगा आपका, तो x कितना बनेगा? 180 माइनस 54, देन ऑल्सो वी गेट 126। इस तरह से भी हमारा x की वैल्यू आ सकती है, कई तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली इस क्वेश्चन में, अंडरस्टैंड? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका सम क्या है? आगे आपका जो सम है वो है 3, थर्ड। देखिए
बिल्कुल, वी हैव गिवन अ प्रॉब्लम एंड द गिवन फिगर इज दैट हियर. यहां पे हमारा ए है, यहां पे बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है. ओके, एंड हियर इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ई एफ है, और यहाँ पे क्या है, जी के साथ ये ई मिला हुआ है हमारा. ओके, दिया गया है भाई कि ये सब क्या है, पैरेलल है. ओके, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जी ई डी 126, जी ई टी, जी ई डी, ये इतना 126, कितना है 126, कहाँ से कहाँ तक, ये रेड वाला, ठीक है, अंदर वाला 90 है हमारा. और तो हमें क्या निकालना है, ए जी ई, वी हैव टू फाइंड आउट ए जी ई, वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट जी ई एफ, वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट एफ जी ई. देखिए कैसे पता होगा ये पहले हमारा, तो पहले आप जी ई एफ निकाल सकते हो. जी ई एफ क्या होगा बेटा, जी ई एफ विल बी इक्वल टू, अब ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो 126 में से 90 माइनस कर दीजिए आप, देन वी गेट हाउ मच, 36. 6 में से हो गया 6, 12 में से 9 हो गया 3, 36 आ गया इसका आंसर. ये एक आपका आंसर होगा, बराबर है. अब जी ई एफ चाहिए, जी ई एफ तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, ए जी ई. ए जी ई क्या होगा, जो ए जी ई होगा वो जी ई एफ के, जी ई डी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में अल्टरनेट है. तो ए जी ई भी क्या हुआ आपका, यहाँ पर 126 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो गया, ये 126 आ गया. ठीक है, अब हमें एफ जी ई निकालना है, इसको निकालना है. ठीक है, अब ये और एफ जी ई मिलाकर क्या होता है, 180. देखिए आप, 126 प्लस एफ जी ई क्या होगा मिलाकर, 180, इसको यहां भेज दो आप, तो एफ जी ई कितना आएगा आपका, 180 माइनस 126, माइनस कीजिए 0, 10 माइनस 6 बराबर 4, यहां बचा 17, 17 में से 12 गया 5, 54, देन दिस विल बी आंसर. ओके, तो इस तरह से हमने कुल कितना सम किया, 3 सम किया, हमारे पास 3 और है, अगले वीडियो में हम लोग 3 सम और लेकर आएंगे. इज इट क्लियर? ओके, तब तक वीडियो को फिर से वॉच कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, मजा आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, मिलते हैं फिर.